हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि रात को सोने से पहले वो आपके बारे में सेक्सुअली क्या कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि रात को सोने से पहले वो जो है आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोचते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये रहेगा। और ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल कैसा है। ठीक है, ताकि आगे जो भी मैं आपको रीडिंग में बताऊँ वो आपके साथ रेजोनेट कर पाए, यानी कि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग मेरे पर्सन की ही है और मेरी ही है। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने पर्सन के साथ। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। ओके, सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं आप सब, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है। ओके, और ब्रेसलेट की भी बुकिंग लगातार चल रही है, तो जिनको भी एक्टिवेटेड ब्रेसलेट चाहिए, यानी कि लव लाइफ के लिए जो ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ, करियर के लिए जो ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आपका जो रिलेशनशिप है कैसा है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इनका दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपना प्रॉफिट एंड लॉस सोच करके ही तभी जो है ये पर्सन काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये पर्सन सोचते हैं कि हाँ मेरा पर्सन ऐसा हो, मेरा पर्सन वैसा हो, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इनके कुछ ना कुछ जो है ना इनके सपने कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, आपसे जो है ना आपसे रिलेटेड इनके सपने कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक, ओके, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, सो आपका और इनका रिलेशनशिप कैसा है। तो अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो आपका और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, हाँ में है ना ना में है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं ना आपको यस बोल रहे हैं ना नो बोल रहे हैं, कभी कभी आपको इग्नोर कर रहे हैं टोटली, कभी कभी आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इन और आउट का सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। कभी लग रहा है कि ये पर्सन ठीक है, ये पर्सन मेरे साथ फ्यूचर बनाएगा, लेकिन फिर कभी जो है लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे साथ फ्यूचर नहीं बनाएगा, इसका माइंड ही कुछ और है। इनका माइंड कब चेंज हो जाता है आपको खुद भी पता नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो नाइट के टाइम में अपने पर्सन के बारे में। कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब आपने अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचा होगा, या कभी भी जो है आपकी नींद जो सबसे पहले खुलती है ना, तो सबसे पहले जो है आपको अपने पर्सन की ही याद आती है। या तो आप उनका लास्ट सीन चेक करते हो, या फिर देखते हो कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या अनब्लॉक किया है। ठीक है, ये आप चेक करते रहते हो, उनके बारे में सबसे पहले आपको ख्याल आता है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से, या कहें तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे हैं और आ रहे हैं अभी भी। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कभी कभी आप सोच रहे हो कि क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या अभी भी इस बंदे या बंदी का वेट करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जो है ना जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो आप, जगलिंग करते हुए आप जो है आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आपको जो है इस पर्सन के साथ बैलेंस आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देंगे, आपको जो है अपनी इस आदत से है ना, ये पर्सन अपनी इस आदत से बाज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप हमेशा ही इनको मौका देते रहते हो, हमेशा ही सोचते हो कि चलो शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, चलो ठीक है अब सुधर जाए, लेकिन ये पर्सन नहीं सुधरते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पर्सन है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है, जैसे जैसे एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सा एक्शन लेना है ना ये पर्सन। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब मैं उसे मौका नहीं देने वाली हूँ, ये मेरे साथ बार बार ऐसा करता है ना, मैं इसको मौका नहीं देने वाली हूँ, लेकिन फिर आप वहीं पे पहुँच जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार जाने दो, छोड़ दो, हो जाएगा ना ठीक, एक बार और देख लेते हैं, ऐसा आपको फील होने लगता है और आप फिर इस पर्सन को ऐसा मौका दे देते हो। ठीक, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बड़ी चलाकियाँ करते हैं, बड़े ही चलाकियों के साथ आपसे बात करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा जो है ना इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बातें करते होंगे, आपसे इस तरीके से बातें करते होंगे कि आप उन पे मोहित हो जाते होंगे, यानी कि आप जो हैं उनकी बातों में आ जाते होंगे और आप जो हैं उनको चांस दे देते हो। ठीक, तो ऐसा मुझे आपका रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, यानी कि आप जो है यहाँ पे हमेशा एक उम्मीद में रहते हो कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन के अनुसार से आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। ठीक है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के ज़रूर होगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। ओके, सो मैं यहीं पे देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स की एनर्जीज। ओके, तो चलिए करते हैं अब रीडिंग, क्या कि आपके पर्सन हर नाइट आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोचते हैं, ये हम देखने वाले हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये देखो जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट की है तो आपके लिए है ये रीडिंग। आप बेझिझक होकर के ये रीडिंग को कंटिन्यू करो, ठीक है, देखो सोचो, ठीक है, यहाँ पे जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोचते हैं वो रात को सोने से पहले। ओके, प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। किस कदर मेरा दिल, अब हम ना होंगे जुदा। क्रिएटिव का कार्ड है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ कार्ड आपको दिख रहे हैं अच्छे से, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। सो क्या है ना कि यहाँ पे मैरिज हॉल नज़दीक ही है, सो अभी शादियों का सीज़न है, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा शोर आ सकता है, आपको मिल सकता है, जैसे कि अभी हो रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि आपको सुनाई दे रहा हो नहीं दे रहा हो, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए, यहाँ की एनर्जीज क्या बता रही है मुझे आपके बारे में, क्या सोचते हैं सेक्सुअली ये पर्सन रात को सोने से पहले। तो सबसे पहले तो ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने जो है आपके साथ, ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी जो है आपके बिना मर्जी के, या कहें तो एक जो होता है ना कि आपके विश्वास को जीत करके इस पर्सन ने आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, एक बार नहीं कई बार,
ठीक है, आपको डेट पर पे भी लेके गए, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज भी किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रोमांटिक तरीके से आपको प्रपोजल भी दिया था इस पर्सन ने, और प्रपोजल देने के बाद से इस पर्सन ने आपके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाया। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सेक्सुअली जो है आपके साथ सोचते हैं सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए अभी भी फिलहाल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, ना सिर्फ आपका तन खूबसूरत है, आपका मन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, आपके जो है आप जिस तरीके से खूबसूरत हो, ठीक है, आप खूबसूरती की एक बला हो। ठीक, मुझे यहाँ पे बला की खूबसूरत नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हो। आप देखो, आप अपने पर्सन की नज़रों में खूबसूरत हो, दूसरे की नज़रों में हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने पर्सन की नज़रों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ अभी भी फ़िलहाल फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, अभी भी नाइट के टाइम में ये कई बार आपकी पिक्स देखते हैं, कई बार जो है आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ जिस तरीके से इस पर्सन ने फिजिकल रिलेशन बनाया, उस टाइम जो इंजॉय किया इस पर्सन ने, उसके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने आई थिंक बाउंड्रीज कुछ क्रिएट की हैं कि नहीं, हम या तो शादी के बाद करेंगे, या फिर जो है हम जो है अभी मैं जो है अभी नहीं कर सकती, या फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो है ना यही मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सा फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन रात में, स्पेशली रात में ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होते हैं, आपको जो है कहीं घुमाने को लेके जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इनसे गुस्सा हो, ठीक है, किसी बात को लेकर के यहाँ पे आप गुस्सा हो, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि अब जो है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये रात को सोते से पहले आपके बारे में सोचते हैं कि मैं जो है उससे मिल करके उससे माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोच रहे हैं। जिस तरीके से आपने इस पर्सन का साथ दिया है, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को हील किया है, ठीक है, उस तरीके से हील करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आपको, है ना, कहीं ना कहीं आपको एक देवी के रूप में देखते हैं। देवी का मतलब यही है कि हाँ, वैसी पर्सन जो कि किसी की भी गलती को बहुत जल्दी माफ़ कर देना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ऐसे कार्ड्स बता रहे हैं आपके कि आपके जो पर्सन हैं, देखो यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अब जो है बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन का ध्यान जो है ना अब जो है सिर्फ फिज़िकल या फिर सिर्फ जो है आपके साथ ऐसे रिलेशन बनाने में जो है ये विश्वास नहीं रखते हैं। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि अब जो है इनको क्या करना चाहिए, यानी कि अब जो है आपके साथ इनको क्या करना चाहिए, आपके साथ आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं एकदम से दिख रहा है कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से कि आपके पर्सन जो है आपका साथ चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा जो है ना अपनी बाउंड्रीज को, ठीक है, आपने जिस तरीके से अपना एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि नहीं आप मेरी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे तब जो है मैं आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करूँगा या करूँगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा वो लक्ष्मण रेखा को जो है ना लक्ष्मण रेखा को थोड़ा सा वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा नहीं गिर सकते हैं। मतलब कि एक होता ना कि हर पर्सन की अपनी ईगो एटीट्यूड होती है, तो वो अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो सक
होकर के, है ना, आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पर्सन सोचते हैं कि हाँ मैं उसके साथ तो फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूँ, साथ ही साथ उसके साथ शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशन ये पर्सन आपके साथ बनाते हैं ये जो एहसास होता है वो किसी और के साथ नहीं मिल पाएगा। इनको ऐसा फील होता है, इनको लगता है कि जैसे कि ये जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ ही, ठीक है, आपके साथ ही जो है ये पर्सन आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन होंगे या फिर ये पर्सन मैरिड हो गए, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। रात को सोने से पहले ये पर्सन ट्रूली आपके बारे में सोचते हैं कि ये पर्सन आपके साथ फिर से एक डेट पर जाना चाहते हैं, आपको बहुत ही रोमांटिक सी डेट पर लेके जाना चाहते हैं। इनका एक सपना है कि हाँ आप जो है इनके साथ कहीं दूर को जाओ, कहीं दूर वादियों में, है ना, जहाँ पर आप और ये दोनों सुकून से रह सके, दोनों सुकून से कुछ टाइम स्पेंड कर सके। ठीक, मुझे यहाँ के एनर्जी के अनुसार से यही नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में, आपके पर्सन जो है रात को सोने से पहले ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, आपकी रीडिंग जो कि मैंने की, ठीक है। सो इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।